गालियां दे रहा मेरे को भाई। एक बार जाके बोला भाई मैं बाहर रहता हूँ सऊदी से, मैं आया हूँ, कुछ काम कर लेंगे, दुकान में बैठेंगे, कुछ करेंगे। बोलता नहीं नहीं जा कर जो खड़ना कर, जिसको जाओ बोलो जाओ, मैं खाली नहीं करता, प्रॉफिट अब भूल जाओ तुम। बोलो कब दिए किराया आप? किराए कब दिए उनको? 3 महीने 4 महीने से किराया भी नहीं दे रहा। थोड़ा पहले बहुत सताया भाई, इतना सताया, बच्चे बच्चों को पकड़ के गालियां दे रहा था। हमारे बच्चे आते किराए को गालियां देता भाई, तो आना नहीं, वही वही बच्चों को लड़ाई लड़ाई झगड़ा करता। पहले क्या है मालूम, पावर में थे उन लोग, जिसको चाहे जो चाहे बोल देते। ओनर है जिसकी वजह से अब जो अभी बाबा फसी के बारे में जो भी गलत फहमियाँ हुए थे, सोशल गड़बड़ उन गलत है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपस में बात कर लिए, हम फजल साहब वगैरह वगैरह, तो ये आपस में मसला हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा कोई ये नहीं है। हो गया। और जो है से बाबा फसीउद्दीन के बारे में कोई भी शिकायत नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे आदमी है, हमारे इस साल से साथ में रहे, हर तरह से अच्छे बुरे में सब में साथ दिए हमारे को। हम भी उनके साथ में हम कॉपरेट करते, हम भी उनको कभी भी इलेक्शन में हम लोग हर चीज़ में हम लोग उनकी अच्छी तारीफ करते हम। लिहाजा ये है कि आप सोशल मीडिया में उनको बदनाम वगैरह मत कीजिए। मैं भी चाहता हूँ अगर मेरे से कुछ गलती अगर निकल गई तो आप लोग जो है से सोशल मीडिया में गड़बड़ वगैरह करके उनको नहीं, वो अच्छे आदमी हैं, आपस में मसला हल हो गया हमारा। अब मेहरबानी करके कुछ गड़बड़ वगैरह सोशल मीडिया में इधर उधर मत फैलाइए, मेहरबानी करके।